ये सादगी ये सिर्फ मास्टर में आ सकती है, ये उसमें आ सकती है जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। इतना काफी है, ये बहुत हो गया। ये इंद्रता जी का करियर जो है अपनी लड़कपन के जमाने में, नौजवानी के जमाने में बर्मन साहब के साथ शुरू हुआ। उनका दोनों का अपना अलग अलग अंदाज है, लेकिन एक बात उनमें कॉमन, इतना काफी है। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, जब करने पे आते हैं तो आपको पूरी कला दिखा देंगे। इसलिए कि जड़े बड़ी मजबूत और बड़ी गहरी है संगीत की धरती में उनकी, लेकिन शब्द की इज्जत, सिचुएशन की इज्जत और ये समझना कि इससे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये ठीक हो गया, ये अच्छा है, ये लोगों को पसंद आएगा, समझ आएगा, ये जो बात थी ये अब मुझे नहीं। देखिए लोरी ले लीजिए, एक लोरी है, नन्नी गली सोने चली, हवा धीरे आना, मेरे मैम नोट्स में लोरी है। एक लोरी है, एक अलग सिचुएशन पे अंदत्ता जी ने दी, तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी धूल है, कुछ कह नहीं सकती। अलग अलग क्यों ने, एक चीज कॉमन है, सिंप्लिसिटी ऑफ नोट्स, सादगी के ऐसा लगे कि माँ गा रही है, ये कोई बड़ी गायिका नहीं गा रही, ये माँ गा रही। ये दोनों लोरियों में, बहुत ही लोरियां तो ऐसी हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कैसा लगता है कि बच्चा पैदा हो उससे पहले कम से कम 5 साल शास्त्रीय संगीत सीखे, मातर बच्चे को लोरी सुनाओ। ये जो समझ थी, ये जो शऊर था, ये जो मिनिमल क्वालिटी की हिम्मत, ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। कितने गीत कैसे कैसे, हम लोग क्या होता है नाम ले लेते हैं किसी का, हाँ भाई बहुत बड़े संगीतकार थे, अरे बड़े अच्छे अच्छे गीत दिए। जब बैठते हम, मैं यहाँ आया तो अभी मुझे इन लोगों ने बताया कौन कौन से गीतकार, एकदम दिल डर गया, दहल गया थे कि हमें पता नहीं ये लोग क्या कंट्रीब्यूट करके गए, क्या खजाने हम पे लुटा के गए, और हम कैसे लोग कि हम उन्हें भूल जाते हैं। कोई फिल्म लीजिए उनकी और ऐसे चुपके से दे दिया है कि आपको गीत तो याद है, ये भूल गए कि उन्होंने दिया था। कितने आज होती है मॉडर्न म्यूजिक, एक टर्निंग पॉइंट है मॉडर्न म्यूजिक का, और यहाँ पर उस्ताद लोग बैठे हैं गवाही देंगे, ऐसा गाना कभी आया ही नहीं था, लाल लाल गाल जैसा। ये रॉक एंड रोल का गाना था पहला अपनी तरह का,